पंचायत समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आईटीआई कॉलेज से नवाजा है, जो आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मेरे बंधुओं, 5 साल भी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे राजस्थान सूबे की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो हमने विकास के तमाम आयाम स्थापित किए हैं, वो इस 60 साल में नहीं हो पाए थे। रईस आज मेरे साथ एक गाड़ी भर के लाए हैं। वो रईस कहते हैं, सेकाराम 1000 वोट हमारे हैं तो 500 वोट अधूराम की झोली में डालेंगे बीजेपी के ये नाम से। मैं ये कहता हूँ, जो मुझे तो मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पर मैं आप बताता हूँ, बहनों को सबको धन्यवाद देता हूँ, तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे इस देश के बजरी का जो ये ठेका देने का काम है, वो 14-13 के अंदर इसी कांग्रेस सरकार ने बड़े ठेकेदारों के साथ की थी, अनुबंध किया था। अनुबंध ऐसा किया कि उस अनुबंध को हम लोग तोड़ भी नहीं सके। मैं पूछना चाहती हूँ कि चुनाव के बिल्कुल पहले 5 साल का लगातार अनुबंध फ्री में तो नहीं किया है। और आज जब मैं सुनती हूँ, जब कांग्रेस खड़े होके झूठ का पुलिंदा आपके सामने बताती है, अभी मैंने सुना कि हम हमारी सरकार बनाएंगे तो हम लड़कियों की शिक्षा छुटपन से लेके पीजी तक हम इसको फ्री कराने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने कर दिया, हमारी बच्चियों का की शिक्षा फ्री है। और फ्री नहीं है, उनको भोजन गरम मिलता है, लैपटॉप अगर अच्छा काम करती है तो मिलता है, स्कूटी मिलती है, साइकिल मिलती है, और आगे जाती है तो उसको 55,000 रुपए और पढ़ने को आगे भी मिलते हैं, इसको छोड़ा नहीं है। अगर उसकी शादी हो जाती है तो ऐसी बच्ची का जो घर की मुखिया बन जाती है, बैंक अकाउंट से जुड़ जाती है, और जो पैसा सरकार का उसके परिवार में जाना है उसके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। अगर अकेली पड़ जाती है और आगे बढ़ती है और उसके बच्चे हैं, तो ऐसी के लिए हम लोगों ने 1000 रुपए पढ़ने वालों बच्चों के लिए इंतजाम कर दिया है। और अगर बूढ़ी हो जाके उसका पेंशन रुक जाता है, तो जहां 3-3, 4-4 महीने में पेंशन नहीं आता था, आज 7 तारीख को हर महीने पेंशन बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है, और उस महिला को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं है।